वेलकम स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 क्लास की। 8 क्लास में SST की बात करेंगे। किसकी? SST मतलब सोशल स्टडी, ठीक है। और हमने नए लेसन की शुरुआत की थी, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। इसके अंतर्गत हमने अनेक चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। और हम पढ़े थे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन के बारे में, ठीक है। तो कल लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, उसकी हमने बात की थी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस प्रकार का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक 1905 के अलावा, हमने बात की 1905 में भारत के वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन किया, इससे भारत के अंदर क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया था। बंगाल का विभाजन किया 1905 के अंदर वायसराय करजन ने, और जब भारत के अंदर इस बंगाल का विभाजन हुआ तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। भारत अंग्रेज़ों के विरोध में सड़कों पर उतर कर आते हैं और इस प्रकार से देश के अंदर हर जगह पर बंगाल के विभाजन का ज़ोर ज़बरदस्त विरोध हो रहा था। विशेषकर देखें तो बंगाल के हर शहर के अंदर, हर गली मोहर में विरोध की गूंज सुनाई दे रही थी, हमने ये देखा। और इसी प्रकार के आंदोलन की अगर हमने बात की थी लास्ट में कि जब बंगाल के विभाजन में जो विरोध हो रहा था उसी आंदोलन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा इलाके हैं, आंध्र प्रदेश कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा क्षेत्र की बात करेंगे। डेल्टा क्षेत्र क्या होता है तो देखो, डेल्टा क्या होता है कि जैसे कि कोई नदी है, क्या है, कोई नदी, और वो किसी जगह से निकलती हैं और कोई नदी समुद्र में गिरती हैं। कहाँ पर? समुद्र में। तो कोई नदी जब समुद्र से गिरने से पहले, कोई नदी समुद्र, यहाँ पर पानी है, समुद्र है, क्या है, पानी, समुद्र, महासागर हो सकता है, सागर हो सकता है कोई भी। तो कोई नदी समुद्र में गिरने से पहले जब अलग अलग त्रिभुज के आकार में ये फैल जाती हैं, इसकी धाराएं अलग अलग प्रकार से फैल जाती हैं और ये जो क्षेत्र बना होता है, इस प्रकार का क्षेत्र जो उपजाऊ होता है, इस क्षेत्र को बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा क्षेत्र। तो आंध्र प्रदेश आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत के मानचित्र में देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश आखिर है कहाँ पर। तो ये भारत का दक्षिण हिस्सा है, यहाँ पर श्रीलंका है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है बंगाल की खाड़ी। तो देखो यहाँ पर आप सभी जानते हैं गुजरात है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है, ऊपर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, इधर मध्य प्रदेश, उड़ीसा वगैरह। तो यहाँ जो इस प्रकार का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के अंदर नदियाँ बहती रहती हैं बहुत सारी। तो आंध्र प्रदेश में जो डेल्टा क्षेत्र है, नदियों का जो बना हुआ इस प्रकार का क्षेत्र है, यहाँ के जो इलाके हैं उन इलाकों में जो आंदोलन होता है उस आंदोलन को कहते हैं, वहाँ एक आंदोलन का नाम है वंदे मातरम आंदोलन।
वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि यह जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम क्या था, वंदे मातरम आंदोलन, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में। अब जो भारत में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, तो स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम और राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। किस आंदोलन ने? स्वदेशी आंदोलन ने। भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसने दो तीन बातों को बड़ा महत्व दिया। एक तो भारत के अंदर भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, भारतीय भाषा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत के जो उद्योग हैं उन उद्योगों को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस प्रकार की बातें करती हैं ये आंदोलनकारी विचारधाराएं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। स्वराज के लिए लोग आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामन करके और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, ठीक है। मतलब एक बात ध्यान रखना है कि स्वदेश या स्वराज वाले जो स्वतंत्र भारत को कराना चाहते हैं, और इसके अलावा ऐसे अनेक लोगों ने भारत के अंदर जो ब्रिटिश संस्था थी या उनकी जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करने पर जोर दिया कि ब्रिटिश के वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना, उनकी संस्थाओं का प्रयोग नहीं करना, उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं, उन पर जोर दिया। कुछ लोग तो अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थन थे। कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश सरकार को फेंकने के लिए, ब्रिटिश सत्ता को फेंकने के लिए वो क्रांतिकारी हिंसात्मक रूप को ज़्यादा जोर देते थे। हिंसात्मक रूप से क्रांतिकारी हिंसा के लिए समर्थक थे ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है। मतलब ये वहाँ के भारत में दो अलग अलग पंथ थे। एक तो कुछ ऐसे थे गर्म पंथ, एक नरम पंथ। कुछ लोगों का विचार था कि अंग्रेज़ों को आराम से समझा करके प्रेम से उनको धीरे धीरे, और कुछ का विचार था कि अगर अंग्रेज़ों को हटाना है, यहाँ से निकालना है, तो उनसे प्रेम से नहीं, उनके साथ में लड़ाई करनी पड़ेगी, हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब भारत से अंग्रेज जा पाएंगे। दो प्रकार के, दो मत के लोग हमने अक्सर देखा है कि दो मत के लोग हैं। एक तो प्रेम से कि भाई हम जैसे महात्मा गांधी है तो वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो बस प्रेम से आंदोलन करके, हिंसा विहीन आंदोलन करके बाहर से अंग्रेज़ों को निकालना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग तो जो ये चाहते हैं कि भारत से अगर अंग्रेज़ों को निकालना है, अगर समाज में परिवर्तन करना है अगर, तो हमें हिंसा का उपयोग करना चाहिए। ऐसे लोग भी थे ऐसी बातों को मानने वाले, ठीक है। तो उसी में से अगर देखें हम तो लाला राजपत राय की तो पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादी थे, और अगर हम देखें तो ये वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता थे। आर्य समाज में भी इनका योगदान था। किसका? लाजपत राय, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के आरंभ दशक में, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, तो उसका आरंभ यानी प्रथम 10 वर्षों में प्राथमिक दशक के रूप में, प्राथमिक या बात करें आरंभिक या प्रारंभिक दशक, तो दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, 10 साल के समूह को दशक कहते हैं, ठीक है। तो उस समय कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कब? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में। जैसे अगर बात करें तो 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर लिया, एक संगठन बनाया, एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो 1906 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
इस संगठन का गठन हुआ 1906 के अंदर, और ये कहाँ पर हुआ तो आप याद करेंगे, ढाका। ढाका वर्तमान में आप सभी जानते हो बांग्लादेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, तो ढाका। तो 1906 में अर्थात 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसकी स्थापना उस समय के जो मुसलमान जमींदार थे और जो नवाब लोग थे, मुसलमानों में जो बड़े पैसे वाले लोग थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की ढाका के अंदर 1906 के अंदर, अर्थात 1906 मतलब 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस लीग ने, जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अगर इस लीग की बात करें तो इस लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इस मुस्लिम लीग ने समर्थन किया। बाकी क्या हो रहा था, बाकी भारत के अंदर बाकी लोग तो आंदोलन कर रहे थे बंगाल विभाजन का, बाकी तो विरोध कर रहे थे, लेकिन इस मुस्लिम लीग ने उनका समर्थन किया अंग्रेज़ों का। जो एक बात विरोधाभास यहाँ हमको लगती है कि भारत के अधिकतर लोग, हिंदू लोग, तो बंगाल विभाजन का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। लोग सड़कों पर उतर कर आ गए थे, बंगाल में विशेषकर वहाँ विरोध देखा गया। लेकिन एक तरफा अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मुस्लिम लीग जो थे, जिसमें अधिकतर लोग जो मुस्लिमों में नवाब और अमीर लोग थे वो उसमें शामिल थे, तो उन्होंने तो बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो अब अंग्रेज़ों को लगा कि एक तरफ तो हमारा सपोर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ हमारा विरोध हो रहा है। तो ये अंग्रेज़ों की अपनी नीति थी, और मुस्लिम लीग का ये काम हमारे इतिहास में काफ़ी जिक्र किया जाता है कि उस समय के बंगाल विभाजन में और वर्तमान के बांग्लादेश और पाकिस्तान के निर्माण में इस मुस्लिम लीग का बड़ा योगदान रहा है, इसका अहम भूमिका रही है, ये भी आप समझेंगे। और समर्थन तो किया ही है, और लिंग की अपनी एक मांग थी कि जो मुसलमान हैं उनको, उनके लिए अलग निर्वाचक की व्यवस्था की जाए, उनके लिए अलग प्रावधान किया जाए नियम कानून की, इस प्रकार की लिंग की मांग थी। ये अपने उनकी अलग से मांग थी, ठीक है। कौन सी मांग थी कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उनकी अपनी ये मांग थी कि निर्वाचक का की या निर्वाचन की अपनी अलग व्यवस्था हो, निर्वाचन की क्या हो, अपनी व्यवस्था हो, और उनको अलग प्रांत दिया जाए, वो अलग तरीके से रह सके, वो अपने हिसाब से रहना चाहते थे। लेकिन 1909 में देखें तो सरकार की ये मांग सरकार ने मान ली। तो 1909 की बात करें तो 1909 में सरकार ने ये मांग मान ली, कौन सी, मुस्लिम लीग की, कि मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की जाए, उनको भी परिषद के अंदर अलग सीटें मिलें, उनके लिए भी सीटों की आरक्षित की जाए। तो 1909 में सरकार ने बात मान ली, और अब जो परिषद थी अंग्रेज़ों की, काउंसलिंग थी, उसमें कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर ली। उसमें जो सीटें थी उनमें कुछ सीटें ध्यान रखना है कि मुसलमानों के लिए आरक्षित कर ली। इससे अब राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने की लालच पैदा हो गई। एक बात यह नज़र आती है कि अब धार्मिक बात यहाँ इसलिए आती है क्योंकि अब तो मुसलमानों के लिए फिक्स सीटें कर दी कुछ, तो जो मुस्लिम लोग थे वो ये चाहते हैं कि हमारे धर्म के लोग काउंसलिंग में अधिक से अधिक जाएँ, इसलिए अपने धर्म के भेजने के लिए उन्होंने जो मत दिए वो अपने ही धर्म के अंदर दिए, और जिन्होंने मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाना था उससे राजनेताओं ने धार्मिक समुदायों को अलग रूप से देखा गया, और एक लगा कि अब धर्म वाली बातें आने लग गई। क्योंकि काउंसलिंग में परिषद के अंदर अब जो सीटें मुस्लिम वालों की थी उनमें मुस्लिम वालों को अधिक से अधिक भेजने के लिए मुस्लिम लोग अपना चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक वोट मिले, अब वो जीत करके वहाँ जाएँ, इसलिए अक्सर यहाँ धार्मिक समुदायों के लोगों ने अपना राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए लालचा या लालच पैदा हो गया उनमें, ये भी नज़र आता है उस समय। मतलब इस अक्सर तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो किसी स्थान पर दो तीन व्यक्ति खड़े होते हैं, उसमें से अगर एक व्यक्ति आपकी जाति का है तो आप उस जाति को वोट देने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं कि भाई ये हमारी जाति का है। वैसे भी उस समय यही हुआ। 1909 के समर्थन की बात करें हम, तो उस समय की बात करें
लेकिन बात करें तो 1907 में जो कांग्रेस है उस कांग्रेस में विभाजन हुआ, कांग्रेस टूट गई थी, कांग्रेस में काफ़ी बिखराव हुआ। अगर बात करें मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था और इस लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता है, मतलब इस कांग्रेस में विभाजन इसलिए हुआ, इसमें टूटने की जो वजह रही है कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अगर अंग्रेजों को बाहर निकालना है तो बल का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि कुछ मानने हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बना रहा। मध्यमार्गी हमने बात की थी, ऐसे लोग जो ये विशेषकर अलग ही विचारधारा रखने वाले थे, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे और दिसंबर 1905 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हो गई। 1907 में तो अलग हो गए, लेकिन दिसंबर अगर बात करें दिसंबर की, तो 1915 में कांग्रेस के दो अलग अलग जो खेमे बने थे, दो दल अलग अलग बने थे, वो वापस इकट्ठे हो गए और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। दोनों ने साथ में मिलकर के लखनऊ के अंतर्गत समझौता किया, दस्तखत किए, साइन किए और देश के अंदर एक प्रतिनिधित्व के रूप में या देश के अंदर एक व्यवस्थित सरकार के लिए गठन के लिए उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं अपन जनराष्ट्रवाद का उदय। अब तो अपन बड़े लोगों का बात करते हैं, अब बात करेंगे गरीब लोगों ने किस प्रकार सहयोग किया देश के राष्ट्र निर्माण में। तो जनराष्ट्रवाद का उदय, लोगों का, जनता का, ग्रामीण लोगों का किस प्रकार राष्ट्रवाद में उदय में बड़ा योगदान हुआ, हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें जो परिषद अपनी मैंने बताई थी, परिषद में मुसलमानों को अपना अधिकार, तो परिषद का मतलब वहाँ की एक प्रशासनिक या सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचन संस्था है। परिषद एक प्रकार की संस्था है जिसमें सरकार चलाने वाले कुछ सदस्यों की संस्था है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के उदय की बात करें तो 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे जो संघर्ष हैं वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होने लगे। 1919 के बाद में जो भी आंदोलन हुए वो आंदोलन को एक क्षेत्र में या कुछ छोटे आंदोलन ही थे, बल्कि वो जन आंदोलन में धीरे धीरे तब्दील हो गए, बदल गए हैं, मतलब देश में जो आंदोलन हो रहे थे वो धीरे धीरे जनता के आंदोलन शुरू हो गए। और इन आंदोलनों में देखें तो काफ़ी अलग अलग समुदायों के लोगों ने, अलग अलग वर्ग के लोगों ने यहाँ पर अपना योगदान निभाया। इन आंदोलन के अंदर देखें तो आदिवासी लोग भी शामिल थे, इसके अलावा देखें तो विद्यार्थी जो समूह हैं वो भी शामिल थे, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभा रही थी। ये सब जुड़ते गए आंदोलन 1919 के बाद के जो आंदोलन हुए उसमें। कई बार तो औद्योगिक जो मजदूर हैं उन्होंने भी आंदोलन में योगदान दिया। अगर 20 के दशक से कुछ साल कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे और ऐसा होता गया कि 20 के जो दशक हैं उस समय तो ऐसा हुआ कि जो व्यावसायिक समूह हैं वो भी कांग्रेस का समर्थन करने वालों में से बने, उन्होंने भी कांग्रेस का समर्थन किया, ऐसा भी पता लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और बात करें कि पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। जो पहला विश्व युद्ध हुआ, कौन सा पहला विश्व युद्ध, 1914 से 1918 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसे भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन हुआ और इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। मतलब ये हुआ कि अब जो युद्ध हुआ उसे भारत के अंदर जो रक्षा व्यय है, मतलब जो सैनिक व्यय है, उसमें काफ़ी इजाफा हो गया। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार को जो खर्चे हुए थे युद्ध में उसको निकालने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए अब जो
व्यावसायिक मुनाफों पर जो कर है वो बढ़ाना शुरू कर दिया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।